चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। इश्फाक खिड़की पर कोई है? दरवाजा माँ जी। तो अगर दरवाजा खिड़की पर है तो फिर खिड़की कहाँ है? माँ जी दरवाजे पे कोई है यार। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ, जाके देखे ना मसाऊद। अरे भाई दिन भर तुम्हें देख देख के आंखों में मोतिया उतर आया है यार। तो लाए फिर उस मोतिये के मुझे गजरे पर होके पनाह दी। जाओ यार नबील बाहर जाके दरवाजा देखो। महमूद साहब मैंने सुबह अच्छी तरह देख लिया था जब खूबसूरत ने मुझसे दरवाजा साफ करवाया था, अब आप जाकर देखो। मुझे पूरा यकीन है भाई तुमने दरवाजा बहुत अच्छी तरह से साफ किया होगा, देखने की क्या जरूरत है? ओ यार बाहर कोई बेचारा कब से बैल बजा रहा है, जाकर देखें। और जानू मैं नहीं जाऊंगा, अभी 5 मिनट पहले मैं किचन में गया था चल कर पानी पीने के लिए। यार मेरे पाँव में दर्द हो रहा, मैं नहीं जाऊंगा। मुस्तकीम आप जाके खोल आए ना दरवाजा। अरे भाई मैं क्यों जाऊं, मैं इस घर का सरबरा हूं। आपका सिर्फ सर ही बड़ा है, अपने आप को खाम का सरबरा ना समझे आप। अब अगर आप दोनों में से किसी ने दरवाजा नहीं खोला ना तो दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी मैं। ओ जानू जा रहे हैं यार जा रहे हैं, तुम तो ऐसे ही नाराज हो जाती हो यार। चले महमूद साहब दोनों मिलकर बाप बेटा दरवाजा देख। वो जो दोनों बाप बेटा ने मिलकर जाकर देखना है वो दरवाजा है। हाँ जी महमूद साहब बहुत भारी है, मुझसे अकेला देखा नहीं जाएगा। अरे हमने कौन सा उठाना है नबी। जा रहे हैं यार भाई जा रहे हैं। ये लोग वक्त बड़ा जाया करते हैं। हम दोनों छम छम खेले। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन? माफ कीजिएगा, ये मेरे बुजुर्ग वाले साहब हैं, बुढ़ापे की वजह से ना इनकी नजर कमजोर हो गई है, देख नहीं पा रहे। अबा जी सामने आपकी एक खूबसूरत तोशीजा खड़ी हुई है बुजी। अरे भैया मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, नजर आ रहा है मुझे आ रहा है। देखे मोहतरमा ये ना गलत बयानी से काम ले रहा है। एक्चुअली मैं ना इसका सौतेला बाप हूँ। जब मेरी इसकी माँ से शादी हुई थी ना तो मैं बस हार्डली इससे कोई 2 साल बड़ा था। जी जी वैसे आप दोनों ना लगते भी बिल्कुल भाई हैं। वैसे आपका छोटा भाई भी बड़ा क्यूट है। अंकल मैं इनका भाई नहीं हूँ, ये मामा है मेरी, इनका बेटा हूँ मैं। अरे वाह बेटा वाह, कितनी कयोट ममा रखी हुई है तुमने अपने पास। जी वैसे मेरा नाम महविश है। नहीं जी मैं तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हूँ। उसने तो पता नहीं कितने इंजेक्शंस लगवा रखे हैं। वो तो वैक्सीनेशन कराई होगी ना उसने। हाँ हाँ ये तो है ये तो है। वैसे आप ये बताइए कि आपका आना कैसे हुआ? अब वो असल में मैं कल ही आपकी पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना पड़ोसियों से जरा हाय हेलो कर लूं। अब अकेली जान सारी शिफ्टिंग में अकेले तो नहीं करवा सकती ना। अरे आप अकेली कहाँ है, मैं हूँ ना, आप बताती मुझे पहले, मैं चुटकियों में सारी सेटिंग करा देता। मैं भी। जी जी महमूद साहब का मैं क्या बताऊँ आपको कि ये तो मुंह से ट्रक खींच लेते हैं, बल्कि फ्रिज अलमारी जो भी कहेंगे आराम से उठा लेते हैं अपने मुंह से। वैसे आप लोग ना बहुत ही फनी और सीधे साधे से लोग हैं। जी जी मैं तो बहुत ही सादा हूँ। और मैं तो सादगी की इंतहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं, ये लीची सारी खुशबू है। अरे आप हमें अंदर आने के लिए तो बेटा तुम एक काम करो, मामा को अंदर आने दो, थक गई होंगी, तुम बाहर जाके खेलो। हाँ जाओ। नहीं नहीं मैं अपनी मामा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। अरे सबके बहुत ही प्यार है मेरा बेटा। आप एक काम करें, आप दोनों ही अंदर आने दो, मुझसे आपका प्यार और देखा नहीं जा रहा। आज 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 जानू देखो ये कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील ये खातून और बच्चा कौन है? जानू ये तो हमारा पप्पू है और ये है महविश जी। ओए शाबाश पुत्र, तूने महविश हयात से शादी कर ली। ओ माँ जी आपके मुंह में तकरीबन घी चक्कर। ये है ही किधर घर में? अरे भाई ये हमारे नए पड़ोसी हैं, कल ही शिफ्ट हुए हैं। जी जी वो असल में मैं अकेली औरत हूँ ना, 10 चीजें करनी पड़ती हैं, 10 दफा घर के कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना पड़ोस में जाके थोड़ी जान पहचान कर ली जाए। अच्छा किया आपने, जब भी आपको काम हो ना आपने बस
एक आवाज देनी है, एक से ज्यादा आवाजें नहीं देनी आपने। अच्छा, मेरी तो 10 आवाजों पे भी तुम नहीं हिलते नबी। जानू, पड़ोसियों के काम आना ऐन इबादत है। हाँ, और मैं तो वैसे भी वेला मुस्टंडा सारा दिन सबके काम करता रहता हूँ। मेरा नीला दुपट्टा पीको कराने के लिए दिया हुआ, अभी तक तो आप लेकर आए नहीं है सकंदर। महमूद ना, महमूद क्यों करा के लाएगा, वो मेरा बाप लगता है। बाप नहीं, शोहर माँ जी। अच्छा, मेरे बाप जो है वो मेरी माँ जी के शौहर लगते हैं। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता, टॉर्चर ना करे। महमूद जी क्या सोचेंगे? भाई फिलहाल तो मैं पप्पू के बारे में सोच रही हूँ। कल मेरे पप्पू का ना इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन का टेस्ट है। बस किसी तरह मेरा छोटा जानू पप्पू जो है ना वो एडमिशन टेस्ट पास कर ले। असल में मैं तो यहाँ किसी ट्यूटर को जानती भी नहीं जो इसे पढ़ा सके। बस इतनी सी बात? क्या आप जानते हैं किसी ऐसे ट्यूटर को जो मेरे पप्पू को इस टेस्ट के लिए तैयार कर दे? मैं मुंह मांगी फीस देने के लिए भी तैयार हूँ। मुंह मांगी फीस? इनका तो मुंह ही बहुत बड़ा है। अरे दुर्दाना, तू क्यों नहीं पढ़ा लेती पप्पू को? पप्पू? हाँ, पप्पू को भी पढ़ा लेगी पर फीस डबल लेगी। क्यों माँ जी, मैं किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। प्लीज पढ़ा देना। देखिए, मैं एडवांस में भी आपको फीस दे दूंगी। एक सेकेंड, ये ले पूरे 10,000। जानू जानू, ये लो, पढ़ा दो जानू, पढ़ा दो प्लीज। देखो महवे जी कितनी परेशान है, और मुझसे ना इनकी परेशानी नहीं देखी जा रही। मुझसे भी। ओके, पढ़ा लूंगी। आप पप्पू से कहें अपनी बुक्स और बैग ले आए। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। अरे दरवाजे तक क्या, आप मेरे साथ चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगा। आप अपनी वो ना भूलें। वो क्या? औकात कह रही है नबील। वो खुद ही चली गई यार। महमूद साहब, अच्छा खासा मैं उनको दरवाजे तक अलविदा करने जा रहा था, और मैं अच्छा खासा घर तक छोड़ने जा रहा था। अच्छा बेटा, पहले ये बताओ कि आपको टेबल्स याद है? हाँ, सारी टेबल याद है। हमारे घर में पहले शीशे की टेबल थी, लेकिन फिर वो टूट गई। फिर मामा एक लकड़ी की टेबल लाई थी, लेकिन फिर उसके ऊपर दीमक लग गई थी। मैं मैथ्स के टेबल्स की बात कर रही हूँ बेटा। अच्छा चलो छोड़ो, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। मुझे माई कंट्री पे ऐसे लिख के दिखाओ। कैसे लिख के दिखाऊं? ऐसे ऐसे। कैसे कैसे मिस? पप्पू तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? आपको कैसे पता चला? व्हाट, तुम कभी स्कूल नहीं गए? और यहाँ तुम्हारी मामा तुम्हारा एडमिशन करवा रही हैं, और वो भी क्लास 7 का। आप मामा को छोड़े, आप क्लास 5 की तैयारी कराते। बेटा तुम्हारा जो हाल है ना, तुम्हें क्लास 3 में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर आपने मेरी मामा से इतनी सारी फीस क्यों ली? फीस मैं वापस कर दूंगी, मैं नहीं पढ़ा सकती तुम्हें। मिस एक काम करते हैं, फीस है ना आधी आधी कर लेते हैं। मैंने कल टेस्ट से पहले बगल में प्याज रख लूंगा। क्या? हाँ मिस, फिर मुझे बुखार भी हो जाएगा और मेरे टेस्ट से जान भी छूट जाएगी और कमाई भी हो जाएगी। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। और मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, मैं आपकी मामा को फीस भी वापस कर रही हूँ। मैं वजी से कैसे मिलने जाऊं? पूछ लेता हूँ, कोई काम है तो बता दे। हाथ बटा देता हूँ, हाथ बटाते बटाते मेरी दोस्ती हो जाएगी। नबील बस बहुत हो गया। अरे जानू, अभी तो मैंने सोचा ही था। अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाओगे? नौकरी ढूंढने, नौकरी ढूंढने नहीं जाऊंगा। लेकिन जानू बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नबील वो पप्पू। जानू क्या हुआ पप्पू को, क्या हुआ? अब मैं महबूजी को क्या जवाब दूंगा? उनका एक ही सहारा था, आखिरी सहारा था जानू, वो भी दुनिया से चला गया। कुछ नहीं हुआ उसे, बहुत ही नालायक है, मैं नहीं पढ़ा सकती उसे, उसे कुछ नहीं आता। जानू कैसी बातें कर रही हो, तुमने तो मेरा त्राण निकाल दिया था। तुम्हें तो आता है ना जानू, तुम सिखा दो उसको। उसकी माँ को मना कर दो। जानू ऐसा ना करो, अब मैं क्या जवाब दूंगा मैं खुशी को? उन्होंने भरोसा करके मुझे अपना पप्पू सौंपा है। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? उसका बच्चा है ना, पढ़ा लेगी। कैसी बातें कर रही हो जानू, अकेली औरत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने कह दिया ना नबील, मैं पप्पू को नहीं पढ़ा सकती, बस। कितनी बेहिस हो तुम, जालिम औरत। एक बच्चे के मुस्तकबिल, मासूम बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। शट अप नबील। ओके जानू। यार नबील, मुझे खूबसूरत की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है यार। बेचारे पप्पू का क्या होगा? ओ यार मैं मूसा, पप्पू को छोड़े यार, उसकी माँ के बारे में सोचे यार।
उस बेसहारा औरत ने पप्पू हमारे हवाले किया था यार एडमिशन टेस्ट के लिए। अब क्या होगा नबील, वो तो नाराज हो जाएगी यार। अच्छी भली दोस्ती रिश्तेदारी में बदलते बदलते रह गए। वो कौन सी रिश्तेदारी? अरे भाई पहले जान पहचान होती, फिर पप्पू के एडमिशन के बाद दोस्ती पक्की हो जाती, और फिर इखलाकी फर्ज पूरा करते हुए बेवा को मैं निकाह का पैगाम भिजवाता, और जब वो हाँ कर देती तो हो जाती ना रिश्तेदारी। ओ हेलो शेर चिल्ली, वापस आ जाए। माँ जी को कानो कान भी खबर हो गई ना, तो उन्होंने आप पर दही लगा के खुश कर देना। एक तो तुम माँ बेटा ना मेरी कोई भी नहीं कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुझसे तो आप भी नहीं बर्दाश्त हो रहे, अब क्या करें? तो ठीक है भाई, निकाह के बाद मैं भी पप्पू और उसकी माँ के साथ उनकी कोठी में रह लूंगा। ओ यार खुदा का वास्ता बस कर दें यार, ये खाली पुलाव बनाने बंद करें। ये सोचें कि पप्पू का क्या करना है यार, पप्पू के बारे में सोचें। तो ठीक है ना, तुम पप्पू के बारे में सोचो, मैं उसकी माँ के बारे में सोचता हूँ। यार फजूल बातें मत करें। आइडिया मैंने सोच लिया। क्या? पप्पू को अब ट्यूशन हम पढ़ाएंगे, फीस भी मिलेगी और पप्पू की मामा भी खुश हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है नबील, अंग्रेजी तुम पढ़ा लेना, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और मैं उसे मैथ्स पढ़ा दूंगा। डन 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 डन। अब आप लोगों ने पप्पू से कह के मुझे बुलवाया है, कहीं पप्पू आप लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं जी नहीं, कैसी बातें कर रही है, वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। बिल्कुल आपकी तरह गुच्चू बुच्चू पप्पू। कंट्रोल करें महमूद साहब, कंट्रोल। थैंक यू महमूद साहब, बस अब किसी तरह मेरा पप्पू ना एडमिशन का टेस्ट क्लियर कर ले। वो एक्चुअली हम बताना ये चाह रहे थे कि खूबसूरत ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। क्या अब मेरे पप्पू के एडमिशन का क्या होगा? अरे परेशान क्यों हो रही हैं? हम हैं ना, हम पढ़ाएंगे आप पप्पू को। हाँ अब बिल्कुल, हम उसे ना एक बाप की तरह पढ़ाएंगे। मैं बाप की तरह पढ़ाऊंगा और ये दादाजी की तरह। वैसे एक बात है, आप दोनों ना बहुत ही अच्छे, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि पप्पू की अकेले कैसे तैयारी करवाऊंगी। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझे, आज से पप्पू की सारी जिम्मेदारी मेरी और आपकी जिम्मेदारी मेरी। जी अब मेरा मतलब है कि आपकी हर परेशानी को हल करने की जिम्मेदारी मेरी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है ना मुझे अकेले सारा घर भी तो देखना है। ओके ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा देता हूँ उसको। आपको तो पता है मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। ओके बाय बाय ब्यूटीफुल लेडी। ओ हेलो बिग फेस, फ्लाइंग कोबरा, आई एम गोइंग इनसाइड, सी यू लेटर। ओके। अरे ये क्या कामों की इतनी अंग्रेजी पढ़ रहा है? आए जितनी देर ये बच्चे को पढ़ा रहा है, मेरा ख्याल है मैं महविश के घर जाके उसका हाथ बटा दूं। ये ठीक है, आजा आजा आजा। पप्पू काम हो गया बेटा, दिखा जरा। ये कौन है? ये आपके स्केच है सर। सर नहीं कहना मुझे, क्योंकि इससे मेरे सर में दर्द हो सकती है। जब भी कहना तुमने पापा बोलो पापा। लेकिन मैं आपको पापा क्यों कहूँ? क्योंकि उस्ताद बाप की जगह होता है मेरे प्यारे पप्पू। तो फिर लाए दे मेरी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? हाँ पापा पॉकेट मनी भी तो देते हैं। अच्छा तू बड़ा हो गया नबील बनेगा, तेरी सारी हरकतें मेरे जैसी है बच्चे। चल क्या याद करेगा, ये ले। अगर मैं उन बड़े मुंह वाले अंकल को पापा बोलता ना तो वो उससे ज्यादा पॉकेट मनी देते। बदतमीज, अभी तुम्हारी मम्मा से शिकायत करता हूँ, अपनी मामा का फोन नंबर दो मुझे जरा। मामा का नंबर क्यों चाहिए सर? भाई तुम्हारी शिकायत करनी है और किस लिए मांगूंगा मैं। चले फिर 100 रुपए और दे। पप्पू इस 100 पे भी तेरी नजर है, ये ले पकड़। अब लिखे। लिखो आप पप्पू। एक से मैना मामा के पास ये दो है। एक। अच्छा चल उसका नंबर लिखवा जल्दी से बोल। वो आपने मुझे फिर से बुलाया, पप्पू ठीक तो पढ़ रहा है ना? हाँ जी 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 जी, मैं बेसिकली पप्पू के रोशन मुस्तकबल के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। ओह आई सी, तो बताइए ना आप कैसा पढ़ रहा है मेरा पप्पू? हाँ जी जी बेहतरीन पढ़ रहा है।
बड़ा ही ब्राइट बच्चा है आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पे गया है ये बताइए, घर सेट हो गया? जी जी, वो असल में महमूद साहब आ गए थे ना, उन्होंने बड़ी हेल्प की, अभी भी किचन ही सेट कर रहे हैं। क्या महमूद साहब घर तक पहुंच गए? जी, बहुत ही हाथ बटाया उन्होंने। आपको पता है अलमारी 4 दफा उन्होंने खिसकाई है और फ्रिज की जगह 6 दफा तब्दील की है, लेकिन मजाल है कि उन्होंने उफ की हो। अरे ये क्या किया आपने, इस बुढ़ापे में इतना भारी सामान उठवा लिया उनसे आपने। भाई मेरी और बात है, मैं यंग आदमी हूँ, अगर चुक पड़ गई महमूद साहब की कमर में तो इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी आप पर होगी। तो फिर अब मैं क्या करूँ? भाई उनको घर वापस भेजे ना, उन्होंने आगे मैथ की क्लास लेनी है उसकी पप्पू की। अच्छा, पर अभी तो मेरा बेडरूम और ड्राइंग रूम सेट होना रहता है। अरे टेंशन क्यों ले रही है आप, वो मैं करा दूंगा सेट, और मैं तो बेडरूम ऐसा सेट करता हूँ कि आपको पता ही नहीं है। कुड़ी नचदी कमाल का घर दा बुरा हाल कटरी ना। होश होशे, शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश मेरा पुत्र चप्पू। आंटी मेरा नाम पप्पू है। ओए आंटी ना बोलना, सिर्फ 3 साल ही पढ़ी होगी तुझसे मैं। हां ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं इसे पढ़ा रही हूँ शुबाना। अच्छा, क्या पढ़ा रही हैं आप इसे? पटियाँ पटियाँ फरजाना, मैं इसे पटियाँ पढ़ा रही हूँ। माँ जी कल इसका टेस्ट है। हाय पुत्र, ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है या पेशाब टेस्ट है? एडमिशन टेस्ट है माँ जी। ओए होए, तू ना घबराना नहीं बच्चे, मैं ना तुझे छोटी छोटी पट्टियाँ बना के दूंगी ना चूटिंग करने के लिए, तो तू अपनी चड्डी में छुपा के ले जाना। हाँ, फिर वॉशरूम में जाना है आपने, फिर सारी पट्टियाँ निकाल के सारे जवाब निकाल के ना लिख देने। ओके मोमो। पर शरीर, मोमो तो सिर्फ मुझे हमायों सईद बुलाते हैं। महमूद। हाँ हाँ हाँ, मोमो तो मुझे सिर्फ हमायों महमूद बुलाते हैं। माँ जी इस तरह तो ये बच्चा कभी भी नहीं अपना एडमिशन टेस्ट पास करेगा। नबील। नबील। चल भाई गाना बदल, तो दूसरा वाला ठुमका जो मैंने तुझे बताया था ना, ठुमका नंबर 2। शाबाश। मेरे होते हुए आपको पप्पू की और अपने घर के कामों की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाय, बस एक बात है, ऐसे नेबर्स ना नसीब वालों को मिलते हैं। ऐसे शोहर भी नसीब वालों को मिलते हैं। नबील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानू कीड़ी काड़ा खेल रहा हूँ भाई, मैं पप्पू की वालदा से उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसका फ्यूचर तबाह हो रहा है, अंदर माँ जी के साथ बैठ कर ना फिल्में और गाने देख रहे हैं। जानू बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना, वरना बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। नबील, उस बच्चे का दिल वैसे ही पढ़ाई में नहीं लग रहा। जानू कैसी बातें कर रही हो, बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। इंग्लिश की तैयारी मैंने करा दी है और महमूद साहब ने आके मैथ्स की तैयारी करा देनी है उनकी। ठीक है, फिर मैं काम करती हूँ, मैं अभी जाके ना महमूद साहब को वापस भेजती हूँ। ठीक है ओके ओके बाय। महमूद साहब इनके घर में क्या कर रहे हैं नबील? जानू पड़ोसी होने का हक अदा कर रहे हैं भाई, इनके घर के काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं। पप्पू तुमने सारे सवालों के जवाब लिख लिए ना अच्छी तरह से, इन पर्चियों को तुमने संभाल के रखना है। इतना छोटा छोटा नहीं लिखा जा रहा महमूद साहब, और आप इतनी देर से क्या लिख रहे हैं? ये ना तुमने अपनी मामा को देना है संभाल के। लेकिन ये है क्या? इसमें ना तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, लेकिन तुमने नहीं पढ़नी। मैं क्यों ना पढूं? अरे भाई अपनी तारीफ इंसान खुद थोड़ा ही पढ़ता है। पर मैं मामा को तो पढ़कर सुना सकता हूँ ना। खबरदार, मैंने तुमसे कहा है ना पप्पू कि ये सिर्फ मामा को पढ़ने देना, अरे जो तुम्हारे पढ़ने की चीज है वो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। आप पढ़ा कर रहे हैं महमूद साहब, आप तो मुझसे फर्रे बनवा रहे हैं। अरे भाई वो इसलिए कि इतने कम वक्त में तुम जैसा जहीन बच्चा भी इसकी तैयारी नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है ना, बाकी के फर्रे मैं बना देता हूँ यार, मगर तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि कौन से सवाल का जवाब किस जेब में है। इसके लिए एक अलग से पर्ची ना बना ले महमूद साहब। अरे वाह, अरे क्या आइडिया दिया तुमने पप्पू। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करो, ये तुमने ध्यान रखना है कि ये वाली जो पर्ची है ना, ये तुम्हारी ऊपर वाली पॉकेट में है, ये तुमने सीधा जाके मामा के हाथ में पकड़ानी है। तुम्हें मेरी कसम है ये तुमने खोल के पढ़नी नहीं है, बस वादा। अब ठीक है, लो मैं तुम्हारे लिए ना वो पर्ची बनाता हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी बबल।
यार मैं गुस्सा हूँ, मुझे लग रहा है पप्पू का एडमिशन होते ही महफूज जी मुझसे सहारे मोहब्बत कर देगी। अरे ऐसे कैसी सहारे मोहब्बत कर देगी नबील, कमाल करते हो तुम। अरे उस अकेली और बेसहारा औरत की जितनी मदद मैंने की है ना रे, कोई सोच भी नहीं सकता नबील। अरे उसके भारी भरकम फर्नीचर को घसीट घसीट के मेरी कमर में चूक पड़ गई है यार। अरे उसने बाप समझ के मदद मांगी होगी आपसे, उसको आपकी नीयत का क्या पता। अब इतना भी बूढ़ा नहीं लगता नबील कि वो मुझे बाप ही समझ ले। तो बड़ा भाई समझ रही होगी भाई। हो सकता है वो मुझ में एक मुखलिस दोस्त और पप्पू का होने वाला बाप देख रही हो। आप में एक बड़े मुंह वाला नाक तो देख सकती है, बाप नहीं। वो तो खैर पता चल ही जाएगा अभी। वो कैसे? जब वो मेरा खत पड़ेगी तब। मुसाब आपकी इतनी जुरत कि आपने पप्पू की मम्मा को खत लिख दिया मुझसे पूछे बगैर। तुमसे क्यों पूछता भाई? क्योंकि मैं आपसे अच्छा खत लिख सकता हूँ। 170 शेर याद है मुझे प्यार मोहब्बत वाले। अरे लेकिन अब क्या फायदा नबील, बल्कि अब तक तो पप्पू ने ना उसे खत पकड़ा भी दिया होगा। मैं सब आपको शर्म आनी चाहिए, एक मासूम बच्चे के हाथों, मेरे पप्पू के हाथों आपने ये काम करवाया। ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है नबील, जलने वाले का मुंह काला। अरे मुझे यकीन है कि उसका जवाब हाँ में ही होगा। अरे मुझ जैसा बड़े दिल वाला कहाँ मिलेगा उसे। आपके जैसा बड़े मुंह वाला भी नहीं मिलेगा उसे। जलते रहो जलते रहो, मैं तो चला मिठाई लेने। मिठाई? वो किस लिए भाई? अरे पप्पू का एडमिशन हो गया तो अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा ना पप्पू को। अरे नहीं भाई, उसकी मामा को। मामा सा क्या है? मैं जरा मिठाई लेके आया है। मैं माँ जी को बताता हूँ, आपकी तो मिठाई में करता हूँ ठीक। यार नबील ये महवी शाही क्यों नहीं अभी तक आ जाएंगी? महवी जी, महवी जी, जी जी, ये एक गोल गप्पा खिला देना प्लीज। गुलाब जामुन? हाँ वो भी खाऊंगी, पर पहले ये गोल गप्पा खिला देना प्लीज। अरे नहीं भाई, ये तो पप्पू की मामा के लिए है। मुझे नहीं लगता उस बच्चे का एडमिशन होगा, कोई तैयारी तो की नहीं उस बच्चे ने। अजीब बातें कर रही हो जानू, इतने तो हम लोगों ने फर्रे बना के दिए थे, अपने पप्पू को वो फेल हो ही नहीं सकता। ए, क्या पढ़ाया था तुमने मेरे पप्पू को? तो तुम कौन हो भाई? मैं पप्पू का पापा। पापा? ये तो कह रही थी कि ये अकेली है। हाँ तो मैं शहर में अकेली थी, कोई दुनिया में अकेली थोड़ी थी ना अंकल। अंकल? हाँ तो पप्पू के पापा दूसरे शहर में थे और मैं यहाँ पर अकेली थी, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से मदद मांग ली थी। एक तो आप लोगों ने मुझसे इतनी फीस भी ली, फिर भी इस बेचारे को फर्रों के साथ स्कूल भेज दिया और वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। अब इस बेचारे का कभी भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। बड़ा नालायक बच्चा है आपका, जरा भी चूटिंग नहीं कर सकता। कितने तरीके सिखाए थे मैंने। कोई नहीं पुत्र, फिर आ जाना, अच्छी सी चूटिंग करना सिखाऊंगी तुझे मैं। पप्पू बताओ क्या पढ़ाया था इन लोगों ने? कुछ भी नहीं पढ़ाया था पापा, बल्कि जो छोटी शर्ट वाले अंकल है ना, ये तो मामा का नंबर मांगते रहते थे। और ये जो बड़े मुंह वाले अंकल है ना, इन्होंने तो मामा को लव लेटर भी भेजा था जो मैंने मामा को दिया नहीं। घटिया लोगो, तुम लोगों ने मेरे बीवी को खत लिखा, उसका नंबर मांगा, तुम लोगों ने जान से मार दिया। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार।